नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। देसी गायों का क्रेज़ बढ़ रहा है, बहुत से लोग देसी गाय पालना चाहते हैं, कुछ लोग देसी गाय की डेयरी शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि देसी गाय की पहचान कैसे की जाए, यानी कि जब आप खरीदने जाते हैं तो देसी गाय की पहचान कैसे करें ताकि धोखा ना हो। इसीलिए हम आज आपको मिलवाएंगे 21 साल के देसी गायों के युवा एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि अलग अलग नस्लों की देसी गायों की पहचान क्या है। तो चलिए मिलते हैं विनय सांगवान से। ये है विनय सांगवान, युवा गोपालक। ये पिछले 2 साल से देसी गायों की डेयरी चला रहे हैं। इनके पास अलग अलग नस्ल की 100 से ज्यादा गाय है। ये गाय खुद ही खरीद कर लाते हैं, इसलिए इन्हें देसी नस्लों का गहरा ज्ञान है। यदि आप भी देसी नस्ल की गाय की पहचान जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को पूरा जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 5 मुख्यतर जो हमारे इंडिया की जो मिल्च ब्रीड है, टॉप मिल्च ब्रीड, हमने वो सभी गायें देसी गायें रखी हैं जो दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं। इन देसी गायों को खरीदते वक्त आपको जो मेन इनके करेक्टर्स आपको देखने हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपनी देख सकते हो सफ़ेद सुंदरी हरियाणा नस्ल गाय हैं। इसको सबसे पहले आप जब भी हरियाणा नस्ल गाय को देखोगे, सबसे पहला जो इसका नज़र आता है, इसकी काली आँखें, काला नाक, काली पूँछ, और दूसरा है इसकी जो सबसे शानदार जो इसकी पहचान है, इसका हम्प। इसकी जो हम्प की बनावट है वो जो अगले वाले पैर इनके बिल्कुल खड़ी 90 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम इसका जो पोल है, जो सींगों के बिचाले इसको बोलते हैं पोल, ये पोल इसकी पहचान होता है। जो थारपारकर और हरियाणा नस्ल में आपको पहचान में जो मिलती है वो यही है, जो आप देख सकते हैं ये पोल है। जो इस पोल को आप देखिए, ये पोल हरियाणा नस्ल की पहचान है। और जो थुई है, और आप पीछे जाओगे तो जो पुट्ठा होता है वो ढाड़ू होता है, मीन्स जो खड़ा पुट्ठा नहीं होना चाहिए, पुट्ठे की ढलान पीछे की तरफ होनी चाहिए, और साचा बिल्कुल गोरा होता है, और नीचे आप सुंडी देखोगे तो सुंडी बिल्कुल भी नहीं होती, नाम मात्र सुंडी भी नहीं होती। और जो थनों की ये बनावट है, ये अच्छा गैप होना चाहिए, ये सुंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यही है हरियाणा नस्ल की पहचान। अब बात करते हैं जैसे कि गिर की। गिर तो आपको पता ही होगा, बहुत ही मतलब आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित गाय हैं। ये गिर की अभी हीफर है, अभी ये 14 महीने की है। इसके बारे में आप इसके करेक्टरिस्टिक्स देखिए। जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है गिर का, इसका चौड़ा माथा होता है, मीन्स जो इसका फोरहेड होता है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। दूसरा आते हैं इसके लंबे कान। इनके लंबे कान हैं, इनकी बनावट अच्छी होनी चाहिए, लंबे कान हैं। जैसे आप नॉर्मली गिर ये का आप देखोगे, इसके कान का साइज़ इसके नाक तक आता है। तो सींग की बनावट है वो वर्टिकल अपवर्ड होंगे, एक बार जो सींग है वो नीचे की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर घुमा होगा। जो इसका जो नेवल फ्लैप होता है, जो सुंडी बोलते हैं उसको, गिर की ज़्यादा नहीं होती, वो 4 से 5 इंच तक होती है। और जो मेन इसकी बताई, जो इसका गलकंबल है या जो लटक होती है शरीर में, जो उसके शरीर की लटक होती है वो कहीं ख़त्म नहीं होती, वो सीधा गलकंबल से स्टार्ट होके नेवल फ्लैप से एब्डोमेन से होते हुए पीछे, मतलब जहाँ योनि होती है वहाँ तक जाती है। यही आप कभी भी जाएं तो पहले ये करेक्टरिस्टिक्स देखें गिर गाय के, तभी आप खरीदें। अब बात करते हैं साहिवाल नस्ल की, जो कि बहुत ही अपने कभी से हमारे मतलब हिस्ट्रिकल जो सबसे अच्छी दुधारू गाय हैं वो साहिवाल गाय हैं, नंबर 1 मिल्च ब्रीड रही है। आइए उसके हम आपको एक सुंदर हीफर दिखाते हैं। ये साहिवाल की काफ है, हीफर है। आप जैसा कि देख सकते हो इसकी कदकाठी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, जो कदकाठी है वो नॉर्मल होती है। इसका जो गलकंबल होता है वो अच्छा होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर, और जो इसका नेवल फ्लैप होता है, जो सुंडी होती है, उसकी लंबाई गिर से ज़्यादा होती है, मतलब आप ये लगा लीजिए 7 से 8 इंच तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है। जो इसकी कलर मार्किंग होती है वो बिल्कुल रेड होती है, या लाइट ब्राउन होती है, या लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन होती है, और कभी भी इसमें वाइट कलर नहीं आता। जो इसका सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो पीछे से इसका पुट्ठा है और आगे की तरफ जब हम जा रहा है तो इसमें लैच होती है, इसके कमर में लैच इतनी होती है कि इसमें अगर यहाँ पे हम हाथ रखें तो पीछे से दिखेगा नहीं। इसमें आप देखिए इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप जो आ रहा है ये प्योर साहिवाल की निशानी है। जो साहिवाल की और एक और पहचान है, इसकी काली आँख होंगी, बिल्कुल जैसे शाही काजल डाल रखा है, काला नाक होगा, काली पूँछ होगी, पूँछ बिल्कुल नीचे तक टच होती है ज़मीन से जब वो चलती है। और दूसरा जो उसकी अडर की क्वालिटी है, आगे वाले थन होते हैं वो बड़े होते हैं और पीछे वाले छोटे होते हैं। अब बात करते हैं थारपारकर नस्ल की। तो जो आप थारपारकर देख रहे हो, इसका बिल्कुल ढीला शरीर है, कदकाठी मीडियम होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जो इसका फोरहेड होता है वो लंबा चौड़ा होता है, बड़ा फूला हुआ नहीं होता, पर चौड़ा फोरहेड होता है। जो इसका नेवल फ्लैप होता है, जो सुंडी होती है, वो 4 इंच की होती है,
और इसकी भी यही एक पहचान है कि जो इसका गल कंबल चादर होती है वो आगे से स्टार्ट होके पीछे मतलब सारे एब्डोमेन के नीचे से होते हुए मतलब पीछे योनि तक जाती है, ये पूरा इसकी पहचान है। काली आंखें, सुनहरी जैसे काजल डाल रखा हो, और काला नाक, काली पूंछ। जो थारपारकर नस्ल है, जैसे कि हमारे हरियाणा की हरियाणी देसी गाय है, वैसे ही राजस्थान की जो देसी गाय है वो थारपारकर है। आप कोई भी आदमी अगर देखेगा, थारपारकर और हरियाणा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो ये है कि इसकी जो हाइट लेंथ ज़्यादा नहीं होती हरियाणा जितनी, और इसका जो हम्प है वो थोड़ा मतलब अगले वाले पैरों से आगे की तरफ होता है, और जो हरियाणा का हम्प होता है वो बहुत ही अच्छा खड़ा हुआ और 90 डिग्री पे होता है। और इसका एक पोल में जो हरियाणा का अच्छा पोल होता है, इसका पोल नहीं होता। जो थारपारकर नस्ल होती है इसका गल कंबल भारी होता है, जो हरियाणा नस्ल होती है उसका बिल्कुल हल्का गलकंबल होता है। इसकी इसके नीचे नेवल फ्लैप होती है, इसकी जो लटक है आगे और पीछे चादर की वो पीछे तक जाती है, जो कि हरियाणा नस्ल में देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं राठी नस्ल की गाय की। इसकी सबसे मेन बड़ी खासियत है कि ये है, ये कम बजट में कम खर्चे में ज़्यादा दूध उत्पादन देती है, और जो इसमें जो सजाफत है और जो इसकी मतलब जो देखने में सुंदरता है वो बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो जो राठी गाय है इसका गलकंबल भारी होता है, इसका जो नेवल फ्लैप होता है वो बहुत लंबा होता है, करीब 1 फुट तक इसका नेवल फ्लैप जाता है, जो सुंडी बोलते हैं जिसको देसी भाषा में। ये जो आप ये गाय देख रहे हो ये गदरी गाय है, इसमें जो स्पॉट होते हैं लाल और वाइट, जो लाल हैं और जो सफ़ेद हैं वो बड़े हैं, और जो मक्खी चिन्नी होती है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, जैसे कि मैं आपको अपना मेल काफ है उसमें दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये सभी नस्ल दिखाई है, सभी पाँचों की पाँचों प्योर नस्ल हैं। और जैसा आजकल क्या होता है कि आम किसान है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो साहिवाल को राठी से करा देता है या साहिवाल को हरियाणा से करा देता है, तो मैं आपको जो वो होती तो देसी ही गाय हैं पर वो मतलब देसी गोवंश में ही मिक्स होती है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये गोवंश है, जो हमारी गाय है ये राठी और थारपारकर में मिक्स है। आप इसमें देख सकते हो राठी और थारपारकर का जो गुण है, इसमें आप देख सकते हो कि साहिवाल का भी कलर मार्किंग आया, और जो नीचे से कलर मार्किंग आई है वो राठी की आई है। इसमें थोड़ा बहुत इसका तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये साहिवाल और राठी मिक्स है। आप ये जो सामने सफ़ेद गायें देख रहे हो, ये आप ज़्यादातर इसमें देखोगे तो ये राठी और जो थारपारकर की मिक्स गाय हैं। इसमें आप देख सकते हो जो इसमें जो जो वाइट और जो रेड जो चितके आए हैं ये राठी के आए हैं, जो इसका चौड़ा माथा है आगे से फोर रेड है वो थारपारकर में आया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये गाय थारपारकर में मिक्स हुई है, राठी में मिक्स हुई है। जो आप नीचे देख सकते हो कि राठी की जो लंबी सुंडी होती है, फ्लैप बड़ा होता है, उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा। आप जो ये गाय देख सकते हो ये साहिवाल और हरियाणवी मिक्स है, हरियाणवी गाय, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो जो इसके सींग है वो बिल्कुल हरियाणा पे आया है, जो इसका पोल है, जो इसके आगे मुंह की बनावट है, जो लंबा नाक है वो सारा हरियाणा का आया, पर जो इसका कलर मार्किंग है, जो इसकी जलर है वो साहिवाल में आई है। तो ये साहिवाल और हरियाणा मिक्स गाय हैं। जो आप ये सामने पीले कलर की गाय देख रहे हो ये साहिवाल और राठी मिक्स गाय हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत कह सकते हो कि कहीं ना कहीं हरियाणा का भी आप इसमें देख सकते हो कि जो इसकी सींग की बनावट है, इसमें पोल है, वो हरियाणा भी हो सकता है। इसमें तीन नस्ल मिक्स हो, जो मेरे को नज़र आ रहा है वो साहिवाल, राठी और हरियाणा इसमें मिक्स नज़र आ रहा है। जो मिक्स ब्रीडिंग का मेन कारण ये है कि आप देखते हो जो साहिवाल के ऊपर राठी का सीमन यूज़ करते हैं, राठी का बुल यूज़ करते हैं, और ये क्रॉस भी कर देते हैं, जैसे राठी पे साहिवाल का करते हैं और गिर पे साहिवाल का करते हैं, तो इन्हीं के कारण ये मिक्स ब्रीड होती है। जो भी नस्ल होती है किसान भाइयों, आप उसी नस्ल का बुल, अच्छा बुल यूज़ करिए, अगर अच्छा बुल नहीं है तो आप उसका सीमन यूज़ कीजिए। जैसा कि किसान भाइयों, कोई भी गाय खरीदने जाता है तो ज़्यादातर उनको पता नहीं होता कि गाय किस बजट में आएगी, प्योर साहिवाल है तो क्या बजट होगा, और अगर मिक्स में है तो क्या बजट होगा। तो पहले हम बताते हैं जो अच्छी साहिवाल नस्ल है, आप उसके अगर ख़रीदने जाओगे, अगर 14-15 लीटर दूध हो और अच्छी नस्ल हो दिखने में भी और वैसे भी, तो आप उसको आपको कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप गिर को ख़रीदने जाओगे, क्योंकि गिर हम हरियाणा में और गिर जैसे गुजरात में है, तो गुजरात में भी गिर का यही रेट है, 55 से 60 हज़ार रुपये में आपको अच्छी गिर गाय मिल जाएगी 15-16 लीटर दूध की। हरियाणा नस्ल की बात करें तो हरियाणा नस्ल का ये है, 12 से 14 लीटर दूध की गायें आपको 45 से 50 हज़ार रुपये तक मिल जाती है, अच्छी नस्ल की हरियाणा नस्ल गाय। और जो थारपारकर नस्ल है ये वैसे तो विलुप्त हो चुकी है नस्ल, पर इसका जो मींस जो सूरतगढ़ का ब्रीडिंग सेंटर है, चंदन फार्म है, बाड़मेर में बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ से आप ख़रीदोगे तो इनके विलुप्त होने के कारण इनकी थोड़ी जो इनका प्राइस है वो हाई है। अच्छी थारपारकर नस्ल अगर आप ख़रीदने जाओगे 16-17 लीटर दूध की या 18-20 लीटर दूध की, तो आपको उसके लिए 70 से 75 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं।
जो मैंने आपको ये रेट बताए हैं ये नॉर्मल बजट की है, किसान के घर की है। पर अगर आप किसी अच्छे फार्म पे जाओगे या अच्छी ब्रांडिंग के कारण या अच्छी मतलब कोई ब्रीडर होगा तो आपको कम से कम वो लाख डेढ़ लाख दो लाख तक की भी गाय देता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि गाय इसी रेट में मिलेगी, आदमी ब्रीडर के हिसाब से किसान के हिसाब से गाय का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जो मिक्स ब्रीड जो गाय हैं उनका रेट ज़्यादातर होता है ब्रीड करेक्टर्स पे नहीं, उसका होता है दूध की क्वालिटी में, दूध कितना दूध की में कितनी क्षमता में है, तो उसके हिसाब से अगर आप मिक्स के लिए जाओगे तो आपको 40-45 हज़ार तक अच्छी 15 से 16 लीटर तक की गाय मिल जाएगी। पहले देखा जाता था कि HF को हरियाणा से, HF को जर्सी को साहिवाल से मिक्स करा देते, उसमें क्या कि जो दूध की क्षमता बढ़ जाती है पर जो उसका असली जो गुणवत्ता जो दूध में हम बोलते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ना करें, आपका जो असली जो मीन्स आपके पास ब्रीड है उस ब्रीड को देखते हुए आप अच्छे सीमन यूज़ करें, अच्छे बुल का यूज़ करें, प्योर ब्रीड को रखें, उसी का आगे चल के फायदा है, उसी में आप कुछ कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।